आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री का पहले चैप्टर का हम लोग MCQ कवर कर चुके हैं यानी पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो, नए व्यूवर हो, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसका भी हमने कवर कर दिया है। इसके बाद हम लोग ये तीसरा चैप्टर भी कवर हो चुका है, फोर्थ चैप्टर भी आपका ये मुगल साम्राज्य ये भी आपका कवर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आज के वीडियो में हम लोग ये जो सिक्स जो चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेख का अध्ययन ये हम लोग करने वाले। इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं टर्म वन के एग्जाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से मैक्सिमम 2 या 3 या फिर 4 क्वेश्चन आने वाले हैं इस 30 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का क्लास लाइए। देखिए सभी सब्जेक्ट का क्लास होगा, धीरे धीरे से होगा, हमको कंटेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। इतिहास में किसी यूट्यूबर के द्वारा जैक बोर्ड के लिए ऐसा कोई नहीं किया होगा, ये धमाका होने वाला है। जल्द ही हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है किसी यूट्यूबर के द्वारा। तो आप लोग जो भी नए व्यूअर हो इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन आपका, फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी अभियंता, ऑप्शन डी सर्वेक्षक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षक, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? ऑप्शन ए एनाल्स, ऑप्शन बी सवाल्टर्न्स, ऑप्शन सी मार्क्सर्स। ऑप्शन ए एनाल्स, ऑप्शन बी सवाल्टर्न, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी साम्राज्यवादी। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एनाल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजातीय के बारे में पता चलता है? ऑप्शन ए गौड़, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी हम्मार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी संथाल। क्वेश्चन नंबर फोर आपका, संथाल विद्रोह का नेता था यानी संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी सेवरम, ऑप्शन सी गोमधर कुंवर, ऑप्शन डी चित्तर सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, किस रिपोर्टर का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्रियाकलापों से है? ऑप्शन है आपका 11वीं रिपोर्ट, ऑप्शन बी आपका 21वीं रिपोर्ट, ऑप्शन सी आपका 5वीं रिपोर्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 5वीं रिपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, ऑप्शन बी बुकानन, ऑप्शन सी मुनरो एवं रीड, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मुनरो एवं रीड। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? यानी यहाँ पर देखना है कि जो ए में जो आपका ऑप्शन है वो इसके सीधे में जो चीज़ है दोनों मेल खाता है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं। यानी ऊपर में ये जो ऑप्शन है इधर वाला, ये सारा क्या है, आदिवासी विद्रोह यानी इस वर्ष में विद्रोह हुआ था। तो बताइए इसके नेता कौन कौन थे, क्या ये सही है कि गलत है? ऑप्शन ए में भील विद्रोह 1825 में जो हुआ था उसके नेता कौन थे, सेवरम। दूसरा आपका अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, उसके नेता क्या गोमधर कुंवर थे। या फिर ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था, उसके विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, बिरसा मुंडा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर यानी डी होगा, क्या होगा यानी सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर एट है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है? ऑप्शन ए मार्टिन वर्ड, ऑप्शन बी रीड, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी बुकानन। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मार्टिन वर्ड। क्वेश्चन नंबर नाइन है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी हल्दीघाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बक्सर, बक्सर के युद्ध। अब आपको बताना है कि ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किनके किनके बीच में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या था? ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी उपाधि, ऑप्शन सी तलवार, ऑप्शन डी जागीर। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भूभाग।
और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो तभी देखिएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा और आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कार्नवालिस कोड बना ऑप्शन ए 1775 में, ऑप्शन बी 1793 में, ऑप्शन सी 1797 में, ऑप्शन डी 1805 में। क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1793 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ऑप्शन ए क्लाई, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी मेयो। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रिपन। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1857। नेक्स्ट है आपका, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चला है? ऑप्शन ए बुकानन की रिपोर्ट, ऑप्शन बी पांचवी रिपोर्ट, ऑप्शन सी दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? यहाँ पर देखिए, जो इधर जो दिया गया है वो सारा बंदोबस्त है, और यहाँ पर देखिए किस क्षेत्र का बंदोबस्त है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, स्थाई बंदोबस्त, ये कहाँ पर है? बंगाल बिहार उड़ीसा, क्या सही है कि नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, महालवाड़ी बंदोबस्त, ये किस में? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश प्रांत एवं पंजाब। ऑप्शन नंबर सी क्या है, रैयतवाड़ी, यहाँ पर क्या है? बम्बई एवं मद्रास। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपयुक्त में से सभी। तो बताइए इसमें से उत्तर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी में से जो मेल है वो सही है, कोई भी गलत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो से जरूर हेल्प मिला होगा। तो प्लीज़ नए व्यूवर जो भी इस वीडियो को देखे हैं अंत तक, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी चैप्टर का पार्ट टू, वो दोनों वीडियो देखने के बाद इन दोनों वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।